इधर त्योहारों के मौके पर रेलवे ने 14 अगस्त तक 68 ट्रेनों को रद्द कर दिया, जिससे महीनों पहले रिजर्वेशन कराए यात्री काफी नाराज हैं। नाराज लोगों का गुस्सा अब सड़कों पर भी दिखाई देने लगा है। यहां बिलासपुर जनसंघर्ष समिति के बैनर तले रेल प्रशासन का पुतला दहन किया गया और रद्द ट्रेनों को जल्द शुरू करने की मांग भी यहां रखी गई। बता दें कि मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। नागपुर रेल मंडल अंतर्गत कन्हान रेलवे स्टेशन के यार्ड का आधुनिकीकरण और रीटा नॉन स्टील साइडिंग को जोड़ने का काम चल रहा है, जिसके चलते ट्रेनों को रद्द किया गया। रद्द ट्रेनों को लेकर यहां पर प्रदर्शन जारी है। रेलवे जन संघर्ष समिति द्वारा यहां पर रेलवे प्रशासन का पुतला दहन किया जा रहा है और ये मांग की जा रही है कि जिस तरीके से लगातार ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं यात्री परेशान है। लिहाजा अब ये गुस्सा सड़कों पर उतर कर लोगों को दिखाई देने लगा है। लोग बड़ी संख्या में रद्द ट्रेनों को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हो। यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि बिलासपुर में इस वक्त यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की परेशानी हो रही है। ये लगातार जो ट्रेन रद्द हो रही है, उससे किस तरह से दिक्कत आ रही है आप लोग? निश्चित रूप से तीज त्योहार है और धर्म कर्म की बात करने वाली सरकार, आज जो भाई बहन का त्योहार, इतना बड़ा त्योहार है, जब पा रहे हैं तब जिस तरीके से लोग अपनी पट्टी नहीं बदलते उतनी जल्दी से ट्रेन रद्द कर दे रहे हैं, बड़े शर्म की बात है। केंद्र सरकार को शर्म महसूस होना चाहिए। इस त्योहार का पर्व है और ऐसे में अब पहले रिजर्वेशन करने के लिए लंबी लंबी कतारों में लगना होता है, अब कैंसिल कराने के लिए लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ रहा है लोगों को। ये मिसयूज आप पब्लिक बनी है कि आपने मुझे पैसा ले लिया और इतना किया, ये प्रॉफिट ऑफ लॉस में प्रॉफिट ऑफ लॉस का खेल है, इसको समझना होगा। आज बहनों की राखी नहीं पहुंच पा रही है भाइयों तक, ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि अडानी का पेट्रोल बिके, अडानी का डीजल बके, इसलिए यातायात की आत्मा रेल है, इस आत्मा को मार के अडानी को दिया जा रहा है। तो ये लोगों का जो गुस्सा है वो सड़कों पर दिखाई देने लगा है और लोगों की लगातार ये मांग है कि जो रद्द हुई ट्रेनें हैं उन्हें चालू की जाए। कहीं ना कहीं तीज त्यौहार का पर्व और ऐसे में 68 ट्रेनों को रद्द किए जाना उन लोगों के लिए काफ़ी दुखदायी है जो तीज त्यौहार और पर्व में अपने घरों या अपने मायके जाते हैं। फिलहाल देखना यह होगा कि लगातार रद्द ट्रेनों के बाद अब जो रिफंड करने की जो परिस्थिति शुरू हुई है रेलवे द्वारा, 2.5 लाख यात्रियों को 60 करोड़ रुपए रिफंड किया जा रहा है, उसके लिए भी अब लोगों को जद्दोजहद करना पड़ रहा है और लाइन में लगकर वहां पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन प्रकाश राव के साथ उमेश मौर्य, बंसल न्यूज़, बिलासपुर।